एवरीवन, दिस इज कैरल नासिर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, मैंने अचानक से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। इनको मैंने बताया भी नहीं कि मैं ब्लॉग शुरू करने लगी हुई। सारे डर गए थे कि क्या हो गया। तो अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ। आज नाश्ते में मैं एप्पल खा रही हूँ, क्योंकि आज मेरा कुछ पराठा टाइप खाने को कुछ बिल्कुल भी दिल नहीं था। तो मैंने कहा मैं एप्पल ले जाती हूँ, एप्पल खा लेती हूँ। पीछे मीना साहिबा स्लाइड्स बनाने की प्रैक्टिस कर रही है। आज दिखाऊंगी कि ये स्लाइड्स कैसी बनाती है, इतनी प्यारी बनाती है ना। अब देखते हैं वीडियो में इसकी सही बन पाती है कि नहीं, पाएंगे खराब हो जाए। तो अभी देखते हैं इसकी स्लाइड्स कैसी बनती है। तो आज आपको मीना स्लाइड बनाना सिखाएगी, मैं नहीं सिखाऊंगी। तो अभी ज़रा मीना जा रही है चाय लेने कैंटीन से। सो गाइज, यहाँ पे ये लोग बैठ के फातिमा फैसल का व्लॉग देख रहे हैं। ये देखें, इनके पास और कुछ है ही नहीं, बस वही उनका व्लॉग देखना है, दूसरों का। सो गाइज, अमीना चाय लेके आ चुकी है और देखें इतने मज़े की लग गाइज पर ना अचानक से कोई पेशेंट आया, मैं उनको वो बता रही हूँ, वो सब देख रहे हैं और मैं चाय दिखाने लग गई हूँ। ब्लॉग नहीं रुकना चाहिए मेरा। सो गाइस, अमीना बनाने लगी है स्लाइड। तो आज देखते हैं अमीना आपको सिखाएगी स्लाइड। तो देखते हैं क्या सिखाएगी आपको, ठीक है? बताओ साथ। पहले हमने स्लाइड को क्लीन करना है, बाद में हमने ये ब्लैड लेना है। जी चले बनाएं। बिल्कुल, हमने जस्ट ये इतना गंद गुंद नहीं डालना, ये यही डालें। रुको, अब हम छोटा सा ड्रॉप डालेंगे। जी, छोटा सा ड्रॉप डालेंगे अमीना के एन मुताबिक। सर आप लोग गाइस, आप लोगों ने ना सीरियसली लेना इस बात को, क्योंकि वो भी सीख रही है बनाना, ठीक है ना। हंसने की बात नहीं, वो सीख रही है। तो कोई बात नहीं, उसे खराब हो गई है, कोई बात नहीं, उसे खराब होगी, वो सीख रही है। उसने कहा इतना छोटा ड्रॉप डालना, उतना इतना बड़ा डाल दिया उसने। चले जी, वो कहती है मैंने हार नहीं माननी और हार माननी भी नहीं चाहिए। तो अभी फिर से वो ट्राई करनी, वेरी गुड। ओह नो, लेकिन कोई बात नहीं, चलो बनाओ, देखते हैं कैसे बनना है। ब्रेक नहीं लगानी बिल्कुल भी, ठीक है ना। बिल्कुल फास्ट हाथ लेके जाना है, 1 2 3 गो। गुड, सही है, लेकिन ना ड्रॉप बड़ा तो ये उड़ जाएगी। गाइस ये देखें, मेरी स्लाइड मैंने बनाई है, ये देखें, ये मैंने बनाई हुई है। एक कहाँ नज़र आ रही है, ये नज़र आ रही है। ये इसके आगे करो, ब्लैक वाले के आगे, हीमाटोलॉजी के आगे। बनी प्यारी है, सही बनी है, प्यारी बनी है, वेरी गुड, कीप इट अप। यहाँ पे सारी टिप्स वगैरह लग रही हैं, क्योंकि वो सारी लगने वाली थी, ठीक है। हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, और ये भी कुछ लड़की क्या कर रही है, अपने हाथ साफ कर रही है, हाथ सुखा रही है। वो कह रही है मेरे लिए कुछ है नहीं करने को, तो मैं बेटे वो देखो कबड़ से ले लें, मैंने अपने सर पर तो नहीं रखे हुए। ये देखें, कह रही थी बैंडेजेस ख़त्म हुए हैं, ये ख़त्म हुए हैं, इतने सारे पड़े हुए हैं, कहती ख़त्म हुए, दो ले लो। रुको यार, हैप्पी बर्थडे करते हैं। हैप्पी बर्थडे कैरल, आई है हैप्पी बर्थडे कैरल। गाइस आज कैरल का दिमाग घुमा हुआ है थोड़ा सा, पेच लूज है, नट भी लूज है, तो थोड़ा वो करिएगा मेरे से, प्लीज कोऑपरेट करिएगा, मैं कुछ भी बोल दूंगी। ओके, सो जस्ट इग्नोर आप करेंगे अपनी जिंदगी में बुरी चीज़ों को, तो आप बहुत आगे जाएंगे। तो इसलिए मैं कहती हूँ चीज़ों को इग्नोर करें और आगे बढ़ें और खुश रहें, और वेरी गुड, कीप इट अप, कीप गोइंग। तो गाइस मीना ने ना ये पकड़ी है, नॉर्मल से लाइन पकड़ी है, ऐसे करके पकड़ी है, ऐसे करके मुझे लगा पीने लगी है मुझे, बिल्कुल ऐसा फील हुआ। तो मैं ऐसे पकड़ कर ना सीधा ऐसे करके मुँह के पास लाई हूँ, मैं डर गई, मेरे को पीने तो नहीं लगी, लेकिन नहीं वो साइड को क्लीन करने लगी। अच्छा ये नहीं करने अपनी साइड को क्लीन। सो गाइस, खाना शाना हमने खा लिया और ये मैं व्लॉग आगे से कंटिन्यू कर रही हूँ 3 बजे, ठीक है, 3 बजे कंटिन्यू कर रही हूँ। खाना शाना खा के हम बैठ चुके हैं, मुझे याद ही नहीं रहा कि खाने के टाइम पे भी ब्लॉगिंग करनी होती है। मैं ना भूल जाती हूँ, मेरी ना याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है। तो महम मेरे सामने खड़ी होकर ना मेरी स्ट्रीक बना रही है, ठीक है, उसका यही काम है। आप ये देख सकते हैं एक लड़की खड़ी होकर मेरी स्ट्रीक बना रही है, वो हमेशा ऐसे ही करती है, बस इंतज़ार करती है कि कैरल का कैमरा खुले और मैं ना स्ट्रीक बनाना शुरू करूँ और मैं लोगों को भेजूँ। हेलो स्ट्रीक वाले लोगों, आप सब कैसे हैं? कैरल नासिर को ज़रूर बताइएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है कैरल नासिर। तो हमने आज बड़ा कुछ किया है, हमने क्रॉस मैचेस किए हैं, ब्लड ग्रुप्स इतने आए हैं, दबा दब ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप के ज़्यादा लोग आए हैं, बी पॉजिटिव। तो ब्ली के सेल्स भी हमने बनाए हैं, किसी टाइम मैं आपको सेल्स बनाना सिखाऊंगी, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं ए के सेल, बी के सेल, ठीक है, वो फिर रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग में काम आता है, बट आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको सिखाऊंगी। और बाकी मैं बैठी हूँ अकेली इस वक्त, ये महा में लैब में,
ठीक है, और तो कोई भी नहीं, वो भी बस जाने लगी है घर। और ये देख सकते हैं खाली लैब है, और मैं हूँ और अमीना है और मेरे साथ भी मैं ही हूँ और कोई भी नहीं है लैब में। तो या इंजॉय कर रहे हैं, क्या इंजॉय कर रहे हैं, आराम से बैठी हुई हूँ और तो कुछ कर नहीं रही। महम कल तुम भी अपना स्क्रब पहन के आना, ठीक है? हुक्म दे रही हूँ, हुक्म। गाइस महम का भी मेहरून कलर का स्क्रब है और इतना खूब प्यारा है ना, प्रिटी है, तो कल वो पहन के आएगी, मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है? हमारा तो अभी ऑर्डर हम देने लगे हैं गाइस, हम लोग ऑर्डर देने लगे हैं अपने स्क्रब्स का, बन जाएंगे बहुत जल्द। हम भी एंशियसली वेटिंग, और आप सब भी मुझे लगता है वेट कर ही रहे होंगे। वैसे आपने क्यों वेट करना है, हम ही ने करना है। टी पिंक कलर डिसाइड हो चुका है पक्का वाला, तो जा रही हूँ महम, बाय। अब कल लाना दोबारा, ठीक है? मैं वेट करूँगी आपका। टारा टारा, ए नहीं आया है, जाओ भी, कब छोड़ने आऊँ तुम्हें। सो गाइस मीना कारी को ऊपर भेजा है सैंपल देने, मैंने उसको बोला जल्दी से सैंपल लेके आओ, क्योंकि मैं इस वक्त लैब में अकेली हूँ तो मुझे ना डर लगता है। आप देख सकते हैं पूरी लैब खाली है, ठीक है? और मैं इधर बैठने लगी हूँ, मैं इधर बिल्कुल सामने चेयर पर बैठने लगी हूँ, क्योंकि बाहर इस वक्त गर्मी है, तो मैं भी इधर ही अंदर ही बैठने लगी हूँ, मेरा दिल कर रहा है। और गाइस इन सब ने ना प्लान बनाया कि ट्यूसडे वाले दिन, पता नहीं कोई डे है, आई डोंट नो क्या है, तो इन सब ने बोला ट्यूसडे को ना ज़्यादा तैयार होकर आना है, तब ट्यूसडे वाले दिन ना ज़्यादा वाला मेकअप भी करके आना है, ज़्यादा वाले प्यारे वाले कपड़े भी पहन के आने हैं, ठीक है? और खूब सारा फोटोशूट करना है और मज़ा करना है हमने, इन्होंने यही बोला है, पता नहीं मज़ा हो पाता है कि नहीं। और सुनने में ये भी आया है कि ट्यूसडे वाले दिन ओपीडी भी बंद है, तो मैंने तो भंगड़ा डाल लिया था कि वाह जी वाह ओपीडी बंद है, मतलब काम थोड़ा आएगा, होप सो कि ट्यूसडे वाले दिन काम थोड़ा है। अभी देखें, अभी आज वो है सैटरडे होने लगा है, तो मैं ट्यूसडे की बातें कर रही हूँ। हम लोग सुबह का नाश्ता लेने आए हुए हैं, अंडा पराठा, अभी पराठे बन रहे हैं और रोड पे इतनी सारी ट्रैफिक है। सो गाइस अभी इधर नाश्ता चल रहा है, चिकन और दाल का सालन है, साथ में पराठे हैं, भजी सनम का अंडा पराठा है, और बाहर पेशेंट्स भी आ चुके हैं। सो गाइस हमारी चाय बन रही है, हम चाय लेने आए हैं कैंटीन पे, क्योंकि नाश्ते में चाय ना हो ऐसे मज़ा नहीं आता, वो हमारी चाय लटकी हुई है और ये हम कैंटीन पे खड़े हैं। सो गाइस हम लोग चाय लेके आ चुके हैं मज़ेदार सी, अब हम खाएंगे अपनी रोटी चाय के साथ, क्योंकि नाश्ता इज अधूरा विदाउट चाय। वाह 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 वाह, बातें ख़त्म करते हैं और चाय पीते हैं और इन्जॉय करते हैं। सो गाइस खाने का टाइम हो चुका है और अब हम खाना खा रहे हैं। मैंने मंगवाए हैं चिप्स, अमीना ने मंगवाया है सस्ता पिज़्ज़ा, सस्ता पिज़्ज़ा गाइस हमारे लिए यही है, नान वाला पिज़्ज़ा, और महम ने मंगवाया है नान टिक्की प्लस दो चटनियाँ, वाह जी वाह, और मैंने मंगवाया है चिप्स, चिप्स गर्म गर्म चिप्स चिप्स, और वो खिड़की खुली हुई है, मेरी आवाज़ वहाँ जा रही ना होए। सो गाइस उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, आपने वीडियो को करना है लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिले। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।